स्काउट की स्कारल अभी भी चल रही है वहां पे, लाइव क्राफ्ट के नूब आईटी को नॉकडाउन करा, फिनेटिक यहां पे क्या फाइनल सर्कल में जा पाएगी, टॉप 10 टीम्स आर अलाइव ओवर हियर, मेगा स्टार्स के 5 किल हो चुके ऑलरेडी, बट वहां पे नूब आईटी का किल कंफर्म करेंगे बिकॉज ही विल गेट फिनिश्ड। यस वहां पे कोई कम वहां पे बैकअप नहीं था कोई टीम का, बट पीछे से ऑरेंज रॉक आके फिनेटिक को बैकस्टेप कर सकते, बट वहां पे पानसिंह ने ओवेस का किल कंफर्म करा विद इन स्प्लिट सेकंड। फिनेटिक के पास वहां पे 2 किल हैं, ऑरेंज रॉक के 2 प्लेयर वहां पे नॉकडाउन, बट उनके पास भी 3 किल थे, बट वहां पे टीम जेनोसाइड का एश गेमर नॉकडाउन होता हुआ, मार्कोस गेमिंग इज बैक ऑन ट्रैक, बट वहां पे रौनक ने नॉकडाउन करा पानसिंह को विद दैट एकेएम ओवर देयर, एंड इनके पास कार 98 भी है, तो क्या मिड रेंज या लॉन्ग रेंज वहां पे देखने को मिलेंगे शॉट्स? यस उन्होंने अपनी कार 98 का पे एडीएस खोला, क्या नॉकडाउन देखने को मिलेगा? बट वहां पे गॉडल गिल ने माधी को फिनिश करा, किल्सम वहां पे एलिमेंट के जेसन को फिनिश करा उन लोगों ने, और यहाँ पे ऑरेंज रॉक एलिमिनेट होती हुई, एंड अभी यहाँ पे जो नीचे टीम्स है उनके पास एक चांस है ऊपर आने का। मार्कोस गेमिंग का यहाँ पे मैक्स का नॉकडाउन एंड फिनिश होता है, एलिमेंट का स्क्वाड यहाँ पे वापस से एक अनफॉर्चुनेट एग्जिट लेते हुए इस वाले मीरामर वाले मैच में भी, स्वैग ने यहाँ पे नॉकडाउन करा मैक्स कश को एंड फिनिश भी करेंगे वहां पे, ये स्वैग भी वापस से नॉकडाउन होते हुए मेगा स्टार्स के, एंड मार्कोस गेमिंग के द डूड अभी 2 क्रेट सामने उनको लूटेंगे, बट सामने मेगा स्टार्स का स्क्वाड इनके ऊपर रशन करने की कोशिश करेगा किसी भी टाइम पे, पान सिंह वहां पे फॉल बैक करेंगे, बट वहां पे उनको भी दिक्कत आएगी बिकॉज मेगा स्टार्स पूरा ऑन द गो उनके ऊपर चढ़ने वाला है, बट देखते हैं वहां पे सूर्या क्या करेंगे। बट यहाँ पे स्काउट नहीं रुकने वाले अपनी स्कारिल 4x के साथ, उन्होंने विक्सी को नॉकडाउन करा, 3 किल्स हैं इनके पास, सिर्फ ओवेस नहीं होंगे फाइनल सर्कल में, टॉप 5 टीम्स आ चुकी है आपके सामने। मार्कोस गेमिंग चारों प्लेयर है उनके पास, 4 किल है उनके पास, मेगा इनकोर अगर एक क्विक ग्रेनेड आगे गया, 1 या 2 प्लेयर मेरे ख्याल से खा के जाएगा वाला ग्रेनेड। यस वहां पे इनकोर ने पान सिंह को वापस से नॉकडाउन करा, इनसेन यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई, मैक्स कश यहाँ पे स्मोक बॉक्स बना रहे हैं कंटिन्यूसली, बट एक और फॉलोइंग ग्रेनेड यहाँ पे देखने को मिला, तो मार्कोस गेमिंग को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। बट यहाँ पे सूर्या सामने से होल्ड करके बैठे हुए जस्ट इन केस कोई पूरा स्क्वाड उनके ऊपर पुश ना कर जाए, सूर्या को यहाँ पे ट्रेड फायर देना पड़ेगा, बट लेफ्ट हैंड साइड से पैराडॉक्स इज ट्राइंग टू फ्लैंक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये फ्लैंक सक्सेसफुल हो जाए तो मार्कोस गेमिंग का पूरा स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। फ्री फायर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे सूर्या ने एक प्लेयर नॉकडाउन करा इनकोर को, पीछे से हाफ एचपी कर दी, बट वहाँ पे स्वैग ने नॉकडाउन करा, विक्सी का यहाँ पे फ्लैंक देखने को मिला, बट वो भी नॉकडाउन होते हुए मेगा स्टार्स का सिर्फ एक प्लेयर बचा हुआ है वहां पे, एक किल यहाँ पे कंफर्म करा मैक्स कश इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर मार्कोस गेमिंग, एंड यस मेगा स्टार्स यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है फाइनल सर्कल। गॉडल गिल इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हिज टीम मेरे ख्याल से, यस बाकी और 4 प्लेयर वहां पे मार्कोस गेमिंग के रिवाइव हो जाएंगे, मैक्स कश आखिरी बचे थे, फिनेटिक के पास 3 किल हैं, बट ये देखो यहाँ पे लाइव स्टैंडिंग्स हमारी, क्या फिनेटिक यहाँ पे अभी भी टॉप 10 में नहीं है अगर हम लाइव स्टैंडिंग्स की बात करें, बट मेगा स्टार्स यहाँ पे उन्होंने 3rd प्लेस अपनी सिक्योर कर ली है 122 पॉइंट्स के साथ, बट अभी देखते हैं प्लेसमेंट पॉइंट्स, अभी जो टीम जिंदा है उनको प्लेसमेंट पॉइंट्स नहीं मिले, अभी जस्ट स्किल्स ही ऐड हुए हैं, अभी देखते हैं थोड़ी देर में हमारे पास इस वाले मैच का अभी विनर चिकन डिनर होगा, बट अभी स्काउट पेशेंटली प्रोन डाउन है, पूरा मार्कोस गेमिंग का स्क्वाड जिंदा जो कि एक थ्रेट बन सकता है फिनेटिक के लिए। एग्जैक्ट यहाँ पे गिल ने फिर से गिल इस गेम के दलजीत बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जस्ट सामने 4v3 सिचुएशन है और वहां पे गिल अकेले बचे टीम गॉडलाइक के, गॉडलाइक कुछ भी करके, ये गिल हमेशा अपनी टीम को कुछ भी करके एक अच्छे लेवल पे ले आता है, यहाँ पे सबने प्रोन कर रखा, मुझे लगता नहीं प्रोन करना अच्छा ओपन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गांव से नहीं है, हर प्लेयर यहाँ पे ओपन स्पॉट हो सकता है, अगर एक प्लेयर जैसे मैन एडवांटेज है टीम मार्कोस गेमिंग की प्लेयर अगर कूद कूद के स्पॉट कर लेते हैं देन काफी ज्यादा मुश्किल होगा। स्काउट काफी ज्यादा ओपन है, वो लेजर स्प्रे कनेक्ट कर चुके हैं, उन्होंने पान सिंह को पहले नॉकआउट कर दिया एंड उनको जल्दी से एक नया स्पॉट ढूंढना पड़ेगा, रिच कंट्रोल लेना पड़ेगा, अगर नहीं ढूंढा काफी मुश्किल होगा, ये दिस इज परफेक्ट टाइम फॉर रौनक एंड एश टू मूव आउट बिकॉज उन्होंने वहां पे मार्कोस के एक प्लेयर को नॉकआउट कर रखा है, वहां पे गिल हील वॉर कर रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, को जो रिज का कंट्रोल है जो भगवान की कृपा है जो उन पे बिल्कुल बनी हुई है उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एक और बार फर्स्ट एड मारकर आराम से गेम में आगे जा सकते हैं, ये कोशिश करेंगे डैमेज देने की। द डूड की एचपी बिल्कुल खा गए स्काउट, प्रोन शॉट काफी अच्छा ले रहे, बट यहाँ पे स्काउट हो गए नॉकआउट, मैक्सा ने यहाँ पे स्काउट को नॉकआउट कर दिया, और वहीं पर रौनक ने इंस्टेंटली ट्रेड बैक किया, मैक्स काश किल कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, प्ले जोन का शिकार बन चुके पान सिंह, और रौनक ने बैक टू बैक 2 का 98 के तमाचे लगा दिया, मार्कोस गेमिंग एलिमिनेट हो चुकी है, फिनेटिक कैन दे मेक इट बिकॉज इट्स अ 3v1 सिचुएशन, गॉडल के गिल बचे हैं सामने एश और रौनक है, बट गिल एक ऐसा प्लेयर है जो धमाका बचा सकता है, क्या वो दलजीत जैसा काम करके दिखाएगा, ये लास्ट मोमेंट है जो मैं देखना चाहूंगा केतन। बट यहाँ पे गिल ने मेरे ख्याल से एश को स्पॉट कर लिया, यहाँ पे उनको एश को रिवाइव देते हुए नॉकडाउन करना पड़ेगा, बट वहां पे रौनक अब उसको स्पॉट कर चुके हैं, अब यहाँ पे पूरा फिनेटिक का स्क्वाड उनके ऊपर चढ़ेगा, अब एश की है 100 HP, पीछे से रौनक भी उनको ADS दे रहे होंगे, गॉडल ने यहाँ पे एक मेरी ख्याल से कम बैक करेगा सोचा था, बट वहां पे गॉर्डन एलिमिनेट होती हुई 4 किल्स के साथ सेकंड प्लेस पे फिलहाल, यहाँ पे देखते हैं टॉप पर रहेगी फिनेटिक, 20 पॉइंट मिलेंगे उन्हें प्लेसमेंट के साथ थे उनके किल्स, फिनेटिक आती हुई वापस से टॉप 6 में, सबसे ऊपर सूर्य आते हैं 4 किल उनके पास, डैमेज है 409, सेकंड पे स्काउट है 3 किल और 904 डैमेज है।